Maths learners, this is Neha and you're watching Maths Magic. Today in this video, we are going to do some questions based on Roman numerals. Students, आपने मेरी last video में देखा होगा, मैंने आपको कुछ rules सिखाए थे Roman numbers के. अब उसी rules को use करके हम Roman numbers में numbers लिखना सीखेंगे Hindu Arabic से Roman numerals में. I'll start with some examples first. छोटे वाले नंबर पहले, फिर हम बड़े नंबर्स लेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही यहां पर वो सिंबल्स लिखे हैं जो रोमन न्यूमरल्स में काउंटिंग लिखने के लिए यूज किए जाते हैं पहले से. तो हम इनकी हेल्प से क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर्स बनाएंगे. नाउ सपोजिंगली आई हैव टू राइट 24. रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक से रोमन न्यूमरल्स में लिखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप आपके नंबर्स को ब्रेक कीजिए, ब्रेक करो. 24 को हम लिख सकते हैं 20 + 4. देन 20 आप सबको पता है, हम अगर x को 10x के लिए होता है तो अगर हम 2 टाइम्स x लिखे तो वो बन जाता है 20. 4 लिखना आपको मैंने पिछला वीडियो में भी सिखाया था, इसमें भी सिखा देती हूं. 4 हम लिखते हैं 5 - 1. तो रूल के हिसाब से पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे 5 और माइनस करते वक्त उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 1. तो ये बन गया हमारा 4. तो 20 के साथ हम 4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पे प्लस है इसीलिए 20 के राइट हैंड साइड में होगा 24. और एक कोई बड़ा नंबर अगर हम ले, सपोजिंगली 38, अगेन विल ब्रेक इट फर्स्ट, इसको ब्रेक करेंगे. 30 + 5 + 3. तो पहले 30 लिखेंगे, अगर 3 टाइम्स x लिख दें तो वो बन गया 30. 5 के लिए सिंबल होता है कैपिटल V, प्लस कर रहे हैं इसीलिए हम सारे सिंबल्स राइट हैंड साइड लिख रहे हैं. 3 के लिए I को अगर हम 3 टाइम्स रिपीट कर दें 1, 2 and 3 तो ये बन गया 38. और एक बड़े एग्जाम्पल के साथ मूव कर रही हूं 42. अब स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी सिंबल हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 40 कैसे लिखेंगे. पहले हम इस नंबर को ब्रेक कर देते हैं. 40 होगा 40 + 2. तो 40 कैसा लिखा जाए, 40 तो हमें नहीं आता है, कैसे लिख सकते हैं. 40 को हम पहले ब्रेक करते हैं. 40 को हम लिख सकते हैं 50 - 10. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था 50 के लिए. यहां देखो 50 के लिए हम लिखते हैं कैपिटल L. तो हमने पहले L लिखा, उसमें से माइनस 10 करना है. 10 के लिए सिंबल होता है X, और जब भी माइनस करते हैं वो सिंबल आएगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि X. ये बन गया हमारा 40. तो हमने 40 की जगह पे पहले लिखा XL, और अब हमें उसमें प्लस 2 करना है. प्लस करते वक्त सारे सिंबल्स राइट हैंड साइड आते हैं. 2 के लिए हम कैपिटल I लिखेंगे 2 टाइम्स 1, 2. ये बन गया हमारा 42. अब थोड़े से और बड़े नंबर्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं. 40 तक तो मैंने आपको सिखाया. सपोजिंगली आई हैव टू राइट 51. आई ब्रेक इट फर्स्ट 50 + 1. 50 का आपको पता ही है क्या है, 50 के लिए हम L लिखते हैं कैपिटल L, 1 के लिए हम लिखते हैं कैपिटल I, और क्योंकि यहां प्लस है तो वो आएगा राइट हैंड साइड. तो ये 50 का लाइन हो गया 51 52 53. करते करते आप आराम से 60 तक लिख सकते हो. 60 हम कैसे लिखते हैं, 60 हम लिखेंगे 50 + 10. 50 है L, कैपिटल L, 10 है X, प्लस है इस वजह से राइट हैंड साइड. नाउ सपोजिंगली आई हैव टू राइट 70. 70 अगेन सेम थिंग, 50 + 10 + 10. तो 50 के लिए है L, 10 और 10 2 टाइम्स X, तो ये बन गया हमारा 70. प्लस है इसलिए हम बार बार राइट हैंड साइड लिख रहे हैं. 80 का ये आपको मेन 50 60 70 80 सिर्फ इसी लेकर आ रही हूं ताकि आप आराम से 51 - 60 61 - 70 खुद से लिख सकते हैं. 80 हम फिर से ब्रेक करेंगे, पहले
50 + 10 थ्री टाइम्स, तीन बार 10, या आप इसे 30 भी लिख सकते हैं। तो 50 के लिए पहले हम लिखेंगे कैपिटल L, और क्योंकि 10 थ्री टाइम्स है तो थ्री टाइम्स x, और क्योंकि प्लस है इसीलिए राइट हैंड साइड। देन 90, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, 90 को हम 50 + 40 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 40 के लिए हमारे पास 4 टाइम्स x हम रूल के हिसाब से नहीं कर सकते। तो हम 90 को 50 + 40 लिखने की बजाय हम लिखेंगे 100 - 10। 100 के लिए हमारे पास सिंबल है C, 10 के लिए हमारे पास सिंबल है कैपिटल X। तो पहले लिखेंगे बड़ा वाला सिंबल, यानी कि 100, 100 के लिए है कैपिटल C, और 10 के लिए X है, क्योंकि यहां माइनस है इसीलिए वो राइट हैंड साइड नहीं जाएगा, X आएगा लेफ्ट हैंड साइड, XC विल बी 90। तो 90 अगर आपको आ गया तो आप आराम से 91, 92, 93 करके 100 तक आराम से लिख सकते हो। सेम इनके जैसे 60 अगर लिखना आ जाए तो 61 से 70 लिख सकते हैं, 70 अगर समझ में आ जाए तो 71 से 80 लिख सकते हैं। सेम है 80 और 90 के लिए। तो ये तो थे 1 से लेके 100 तक के रोमन न्यूमरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग विद नेहा।